कलर्स टीवी के दो बड़े शोज पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी खबर। पहले जो शो है वो है दुर्गा और शाहरुख। इस शो की कहानी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। इस शो में कुछ समय पहले ही जेनरेशन लिप लाया गया है। पहले इस शो में हमें वैष्णवी प्रजापति और भटनागर मेन लीड्स में नजर आता था, लेकिन अभी इस शो में हमें आद्रिजा रॉय, राशि शर्मा, दुर्गा और शाहरुख के रोल में नजर आ रही है। उनके अलावा इस शो में हमें कुणाल जय सिंह अनिर्बान के रोल में नजर आ रहे हैं, जहां पर इस शो की कहानी को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस शो का टाइम स्लॉट भी कुछ समय पहले ही चेंज किया गया था। अभी जो खबर ये निकल गई है, इस शो का जो टाइम स्लॉट है फिर से चेंज किया जाने वाला है। तो दुर्गा और शाहरुख के फैंस के लिए फिर से काफी ज्यादा एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि किसी भी शो का ऐसे अगर टाइम स्लॉट चेंज करता रहा तो शो की जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिर से दुर्गा और शाहरुख की जो टाइम स्लॉट है उसको चेंज किया जा रहा है, खबर ये निकल गई है। ये शो हमें 13 मार्च से यानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात के 10:30 बजे देखने को मिलेगा। तो आज से यानी 13 मार्च से मंडे टू फ्राइडे रात के 10:30 बजे देखने को मिलेगा कलर्स टीवी पर दुर्गा और शाहरुख। तो काफ़ी ज़रा शॉकिंग न्यूज़ है दुर्गा और शाहरुख के फैंस के लिए। दुर्गा और शाहरुख का जो पहला सीज़न था यानी बैरिस्टर बाबू फैंस को काफ़ी ज़रा पसंद आया था, लेकिन दुर्गा और शाहरुख की कहानी तो पसंद आ रही है, लेकिन टीआरपी काफ़ी ज़रा इस शो की कम निकल कर आ रही है। इस शो की हाइस्ट टीआरपी 1.3 निकल कर आया था, तो इस शो का ओपनिंग टीआरपी था। दूसरा जो शो है वो है मोल की सीजन 2 यानी मोल की रिश्तों की अग्नि परीक्षा। इस शो के फैंस के लिए काफी ज़रा सैड न्यूज है, क्योंकि ये शो सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन इस शो को इतनी जल्द ही ऑफ एयर किया जा रहा है। इस शो की टीआरपी उम्मीद से काफी ज्यादा कम निकल कर आ रही है, सिर्फ 0.6 या 0.5 की ही टीआरपी निकल कर आ रहा था। इस शो की कहानी भी काफी ज़रा इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसके बाद भी इस शो का टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए मेकर्स ने और सैनल ने ये डिसीजन लिया है कि इस शो को ऑफ एयर किया जाएगा। इस शो में हमें आशीष कपूर और विधि यादव मेन लीड्स में नजर आते थे। इस शो की कहानी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन इस शो की जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा नीचे जा चुका था, इसलिए मेकर्स और चैनल्स ने ये डिसीजन लिया है कि इस शो को ऑफ एयर किया जाएगा। इस शो का जो लास्ट एपिसोड है वो कल ही शूटिंग कर लिया गया था, यानी 12 मार्च को ही शो का जो लास्ट शूट है वो कर लिया गया था, और इस शो का जो लास्ट एपिसोड है वो इस हफ्ते ही टेलीकास्ट किया जाएगा। तो कलर्स टीवी के इन दो शोज के फैंस के लिए काफ़ी ज़रा शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि 10 बजे के टाइम स्लॉट पर मूल की टीआरपी इतना ज़रा कुछ खास निकल कर नहीं दे पा रहा था। तो जो दुर्गा और शाहरुख को 10:30 बजे से टेलीकास्ट किया जाएगा, क्या तो दुर्गा और शाहरुख की टीआरपी क्या निकल रहेगी 10:30 बजे के टाइम स्लॉट पर, देखने वाली बात होगी। क्या आप देखते हैं दुर्गा और शाहरुख और मूल के रिश्तों की अग्नि परीक्षा? कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।